कल केक बनाया था मम्मा ने, उसमें से भी खराब बन गया। फाइनल एग्जाम इन लोगों के 1st of March से हैं। लग रही है मम्मा की मम्मा। 3, 2, 1 तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं इतना सारा क्रीम क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि आज हमने सोचा कि कहीं चलते, संडे भी है, इसी बहाने कुछ खा भी लेंगे। मम्मी थोड़ी बीमार चल रही थी, और फिर इसके बाद फिर हमारे 1 मार्च से पेपर भी हो जाएंगे, तो फिर हम कहीं जा नहीं पाएंगे। फिर 1 मार्च से 15 मार्च तक फिर पेपर चलेंगे, तो हमारा मूड भी थोड़ा ऑफ हो जाएगा। इससे सोचा कि चलो हम थोड़ी देर घूम ही क्यों ना लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे मेरे कपड़े पड़े हैं, ये दोनों जबरदस्ती कर रहे हैं कि चलो चलो। जबरदस्ती कर रहे हैं क्यों रही है मेरी उधर फ्रेंड। जब से मतलब हमारे पेपर खत्म हुए थे ना, प्री बोर्ड तो तब से हमने बोल रखा था कि एक पिज्जा मम्मा कभी खिलाती नहीं थी। कल केक बनाया था मम्मा ने, उसमें से भी खराब बन गया। खाने को कुछ मिला ही मम्मा, सोच चलते पिज्जा खाने। वहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे मैं सोचा कि जा ही रहे, तो एक साथ रील भी बना लेते हैं। और आपको मेरी रील्स हम मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिल जाएगी, जाके प्लीज देखो और शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। 3 बज रहे हैं, मन नहीं था, मैं ऐसे लेटी भी थी पूरा, आज संडे था तो पूरा घर अच्छे से मिले क्लीन वगैरह किए। ये कपड़े थे जो सारे धुले हुए कपड़े थे, कल धोए थे, इनको थोड़ा सा घुमा के ले आती हूँ। इनके साथ साथ थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी टाइम से नहीं गए हम लोग, बाहर निकले नहीं है तबीयत खराब की वजह से। निकत ने बोला कि चलो प्लीज हमें, फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे, संडे है, उसके बाद निकत का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम इन लोगों के 1st of March से हैं, 1 तारीख से, तो फिर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। रात मैंने बैठ के निकत फैस का रूटीन भी बनाया, वो मैं आपको भी वहां से आ जाऊँ फिर दिखाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी चलते हैं, इनको थोड़ा कुछ खिला लाती हूँ। तो ये इन दोनों का फेवरेट प्लेस है। निखत को देखो कितनी ऊंची ऊंची हील पहन के आई, और मेरे को देखो मम्मी की मम्मी लग रही हूँ। में बैठते तो तो अभी हम लोग गए थे, निकट के रील्स बना रहे थे कि मुझे इसका डांस बहुत प्यारा लग रहा है, तो हम लोग बना के आ गए। I know, I have 1K subscribe, 1 million subscriber. पापा, अब पहले नहीं थी, अब डांस देखते देखते निकट की के मुझे ना निखत की रील्स बनानी है, सब्सक्राइब भी कर दियो और वो हमारे सब्सक्राइब। हो गया चलो कुछ खा लेते हैं। रुको फ्रेंड, रेस लगा दे जरा, कुछ खाते तो मोड़े तो कहीं कितना टाइम है। तो वहां से हम लोग निकल के आ चुके हैं, अभी हम लोग आ रहे हैं पिज्जा शॉप। तो वहाँ पे ऐसा लगा हम भीड़, और आज संडे था तो कुछ ज्यादा ही थी, तो हमने फिर यहीं से अपने वो मेरी फेवरेट प्लेस है रील्स बनाने के लिए, घूमने के पर्पस से बहुत अच्छी है, तो के पर्पस से इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी है लेकिन संडे है तो ज्यादा भीड़ थी, संडे के लिए अच्छी नहीं है। रुको जाओ भाई, रुको जाओ। 3, 2, 1 वो चीज कह रही हूँ, ओनियन पिज्जा, वो कहाँ इसके ओरिगानो, क्या होती है वो, ओरिगानो गाना गाओ। दो केचप मिली है, एक ओरिगानो, एक चिली फ्लेक्स मिली है, उसमें से हम डालेंगे इटालियन सीजनिंग ओरिगानो। लो मैं डालूं, खुल गया वो, वो खुल नहीं रहा था। बस बस बस, ज्यादा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये चिली फ्लेक्स। नहीं मम्मा को कुछ अच्छा नहीं लगता, मम्मा को अच्छा लगता है। हल्का हल्का मत डालो नहीं। आ गई इतना पिज्जा, इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। कितने दिनों से फैज मांग रहा था, जब इसका एनुअल फंक्शन हुआ था जब से इसने बोल रखा था। और हमने पता है 2 महीने, हम पता नहीं समझ में डेली खाते थे, डेली भी नहीं, 1 मंथ में एक बार, बट कैसे हैं जब से बिठ गए ठीक है, सही है। मैं तो बेटा टेस्ट ही नहीं करा। घर और वहाँ पे भीड़, तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्री में खाना बट रहा हो, इतनी भीड़ को देख के मैं, हमने तो बोला कि चलो भाई सीधा घर,
फटाफट से घर आ गए हम लोग तो 5:30 बजे करीब। हाँ वहाँ पे इन दोनों ने थोड़ा सा खेला, पिज़्ज़ा शॉप गए, फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया, फैंटा ली, तो एक छोटी सी ट्रीट इनको पार्टी दे ही दी, तो संडे भी था, फुल इंजॉय भी कर लिया हम लोगों ने। कैसा लग रहा है? अब ये मेरे को ना घुमाने लेके गए, मैं तो नहीं जाने वाली थी बट ज़बरदस्ती ये लोग लेके गए। चलो कोई नहीं, इस बहाने से घूम के भी आ गए हम लोग। तो तुम दोनों खा लो, मैं इतने चाय बनाती हूँ पापा के लिए। तो अब इवनिंग के हो रहे हैं 7:30 और यहाँ पे हमारे घर के पास में एक हो रही है शादी और इतनी ज़ोरों से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कान में भी दर्द करने लगा। इन्होंने डिसाइड किया कि इतने सारे जो कपड़े पड़े हैं, फिर हम तीनों ने मिलके अच्छे से कपड़ों को फोल्ड किया, फिर मैंने सारे कपड़े सोफे पर रख दिए, काम अब कर लिया, खाना भी खा लिया। अब हम लोग आ चुके अपने बेड पर और बहुत ज़ोरों वाली हम लोगों को नींद आ गई। हमने सोचा कि उन्हें सो जाना चाहिए, सुबह है स्कूल, मैं चाहती हूँ सो जाऊँ, इसलिए बाय बाय।